हाय हेलो, सत श्री अकाल माई ऑल डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने हैवी हेयर ऑयलिंग के बारे में। मैं यहाँ अपने खुद के बालों पे ऑयलिंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पैराशूट हेयर ऑयल लिया है, ये 200 ml की बॉटल है। सबसे पहले मैंने अपने बालों की स्कैल्प पर ये देखिए हेयर ऑयल लगाया है और इसे अच्छी तरह से डैप डैप कर रही हूँ ताकि मेरी पूरी स्कैल्प पर ऑयल अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। और अब अपने बालों को ऐसे पार्टीशन करके इसमें हेयर ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। मुझे पहले अपनी स्कैल्प पर अच्छी तरह से हेयर ऑयल लगाना है, बाद में मैं अपनी लेंथ पे लगाऊंगी। बालों की पार्टीशन कर करके थोड़ा थोड़ा हेयर ऑयल आपको अपने बालों पर लगाना है। एक साथ आपको बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल नहीं लेना है, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा हेयर ऑयल लेना है और पूरी स्कैल्प पर अच्छी तरह से इसे लगाना है। आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से अपने बालों पर मसाज नहीं करनी है। नहीं फ्रेंड्स, हमें बिल्कुल धीरे धीरे अपने बालों पर मसाज करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से आप अपने बालों पर मसाज कर सकते हैं। अब मैं अपने पीछे की स्कैल्प पर अच्छी तरह से ऑयल लगाऊंगी, पार्टीशन करके थोड़े थोड़े बालों पर। इस तरह से हेयर ऑयल लगाने से आपकी स्कैल्प पर अच्छी तरह से ऑयल ऑब्जर्व हो जाता है। और अब मैंने यहाँ पे अपने बालों को कवर कर लिया और ऊपर से मैं ऑयल डाल रही हूँ ताकि लेंथ पर अच्छी तरह से सारा ऑयल लग जाए। फ्रेंड्स, हमें हेयर ऑयलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेयर्स के लिए। हमें अपने हेयर्स को कभी बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा सैटरडे नाइट या फिर आफ्टर 15 डेज़ अपने बालों पे हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई रखेंगे तो इससे आपके बाल कमज़ोर हो सकते हैं, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपने बालों पर ऑयल ज़रूर लगाइए, हमारे बालों की डाइट होती है। इस तरह से अपने बालों पर अच्छी तरह से ऑयल लगाएं, अपने बालों को एक अच्छी सी चम्पी दें। अब मैं यहाँ पे अपनी लेंथ पे अच्छी तरह से ऑयल को लगा रही हूँ। ऑयलिंग करने से हमारे बालों की कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। हमारी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बहुत ऐसी बालों की प्रॉब्लम्स है जिससे आजकल हर कोई परेशान है, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी एक ही तरीके से ख़त्म होती है और वो है हेयर ऑयलिंग। मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आपके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सिल्की शाइनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हेयर ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। रेगुलर सैटरडे नाइट मैं अपने बालों पर हैवी हेयर ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ या फिर आफ्टर 15 डेज़। मैं अपने बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं रखती हूँ। अच्छी तरह से अपने पूरे स्कैल्प पर, अपनी लेंथ पर ऑयल अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऑयलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मुझे अपने बालों पर कॉम्बिंग करनी है और अपने बालों में से सारे टैंगल्स को रिमूव करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने बालों में से सारे टैंगल्स को रिमूव कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हम अपने बालों पर इतना ध्यान नहीं देते जितना कि हमें देना चाहिए। हमें अपने बालों पर हेयर ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें एक ही शैम्पू यूज़ करना चाहिए। बार बार हमें शैम्पू चेंज नहीं करना चाहिए। और शैम्पू के बाद आप कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें और अपना कंडीशनर भी बार बार चेंज ना करें। आपको जो शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल सूट करता है उसे रेगुलर बेस पर यूज़ कीजिए। इससे आपकी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी कम होगी। आप चाहे तो अपने हेयर वॉश करने से पहले अपने बालों पर दही अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे बाल कंडीशनर भी होंगे, हमारी जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगी।
ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ, मोस्टली जब भी हेयर वॉश करती हूँ मैं दही ज़रूर अप्लाई करती हूँ। दही से मेरे बाल कंडीशनर भी हो जाते हैं और जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो अब मैं यहाँ अपने बालों को कवर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी, और अगर आप कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कोई भी हेयर से रिलेटेड या फिर स्किन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो।